पास बहुत सारे आ चुके हैं और इसका सही तरीका ये है, ये लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं ना, वो क्या नाम है उसका, अरे नहीं यार इंटरनेशनल सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज को भी मैंने एक केस में कॉन्टैक्ट किया था पहले केस में और देख लिया था कि शी डजंट रिप्लाई, ओके। और जहाँ तक फिर मैंने इंटरनेशनल वे पे जाके दुबई में जो इंडियन एम्बेसी है उसको कॉन्टैक्ट किया और उनको कॉन्टैक्ट करके मैंने इस एक लेडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की और इंडियन एम्बेसी यहाँ उसमें कंप्लेन की दुबई की, यहाँ पे जो दुबई की ब्रांच है इसमें कंप्लेन की और जो दुबई की इंडियन एम्बेसी उसमें कंप्लेन की और इमीडिएटली उन्होंने वन डे के अंदर एक्शन लिया और वो लेडी को इंडियन डिपोर्ट किया। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी लड़कों को, काफ़ी लेडीज़ को इंडिया डिपोर्ट करवाया है क्योंकि उनके जो मालिक होते हैं वो उनको बुलाते हैं किसी और काम के लिए और काम करवाते कुछ और हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। मैं क्या चाहती हूँ, मैं हेल्थ केयर को इतना एक्सपैंड कर रही हूँ, मुझे मुख्यमंत्री से मिलना तो अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास इतनी लेडीज़ आती हैं तो इतना कितना ज़्यादा हम उनको फंडिंग करते रहेंगे। आई नीड ए फंड बाई गवर्नमेंट, इट्स वेरी मच क्लियर कि मुझे गवर्नमेंट से फ़ंड अभी लेना ही है और गवर्नमेंट से फ़ंड में लेने के लिए ये क्लियर कट आवाज़ उठाने के लिए मैं गवर्नमेंट तक पहुँचूँगी, अपनी यूनिट लेके सीएम तक पहुँचूँगी कि हमें गवर्नमेंट से फ़ंड चाहिए ताकि हम उन गरीब महिलाओं को मदद कर सकें जो अपने बच्चों को लेकर रोड पे आ गई है, जिनके हस्बैंड भाग गए हैं और उस ऐसे ऐसे भी सीन है कि छठी औरत आ रही है बोल रही है कि मैं अपने हस्बैंड की सिक्स वाइफ हूँ, उसने सेवेंथ कर ली है। हाँ, ये मतलब ऐसा नॉनसेंस चीज चल रही है, शरीयत के नाम पे चल रही है या फिर वो, अच्छा अभी हिंदू मैरिज एक्ट में एक पति जब तक अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं देता है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। वो क्या बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे चुका हूँ और तभी मैंने दूसरी शादी की है और वो एक फेक डिवोर्स पेपर लेकर आता है, वो बताता है कि ये डिवोर्स पेपर है। वो लड़की बोलती है कि मैडम ये मेरा सिग्नेचर है ही नहीं और वो लड़की रो रो के बेहोश हो जाती है मेरे ऑफिस में। तो हिंदू मैरिज एक्ट के भी मैंने इतने केसेस देखे हैं कि जहाँ पर लड़कियों को नाइंसाफ़ी बोलते हैं ना, इतना उनके साथ में हो गई है कि गवर्नमेंट हैज़ टू गिव सम सब्सिडी फॉर द वुमेन्स। ये जो 498 के केसेस हैं इसमें औरतों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट के पास से, जब उनका तलाक हो रहा है, उनका हस्बैंड उनको छोड़ रहा है और उनके बच्चे रोड पे आ रहे हैं। अरे उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो किसी के तीन तीन चार चार दिन पुराने खाने हैं वो लोग खा रहे हैं। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।